हेलो दोस्तों तो दोस्तों आज अपन रिव्यू करने वाले हैं विनयया विद्या रामा मूवी का तो दोस्तों अपन इस मूवी का पॉइंट वाइज रिव्यू करेंगे तो दोस्तों ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी इनकी भाषा में लेकिन हिंदी में डब नहीं हुई थी हिंदी में फाइनली ये 2023 में डब हो गई है और ये मूवी मैंने काफ़ी दिन पहले देख ली थी लेकिन रिव्यू नहीं करा आज मन करा तो आज रिव्यू कर रहा हूँ तो दोस्तों अपन इस मूवी का पॉइंट वाइज बात करते सबसे पहले स्टोरी की बात करते स्टोरी की बात करें तो देखो इसकी स्टोरी कुछ खास है नहीं फैमिली वाला ड्रामा है जो कि साउथ की हर दूसरी मूवी में दिखाया जाता है फैमिली ड्रामा पर बेसिड है ने एक लड़के को इसमें मतलब जबरदस्ती बहुत घर का लाडलान बहुत खास है और मतलब बहुत अच्छा वाला हीरो है ये दिखाने की कोशिश कर गई बाकी स्टोरी में कुछ भी नहीं है परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी एवरेज देखने मिलती है क्योंकि मतलब स्टोरी में इतना दम ही नहीं है कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिले सिर्फ गुस्से वाले सीन ज़्यादा देखने मिलते हैं और फिर बात करते हैं इस मूवी के एक्शन की तो देखो इस मूवी को आप एक एक्शन मूवी बोल सकते हो क्योंकि इसमें कभी भी कहीं पर भी एक्शन आ रहा था और सिर्फ एक्शन ही अच्छा था और इसमें इतने सारे गाने थे मैं तो बोर हो गया था गाने कट कर करके कट कर करके और फिर बात करें क्लाइमेक्स की तो देखो इसका क्लाइमेक्स भी कुछ ज्यादा खास रहता नहीं है काफी सिंपल रहता है बड़ी सिंपल स्टोरी रहती है क्लाइमेक्स भी जब आता है तो मतलब कुछ ज्यादा फील नहीं होता पूरी मूवी की बात करें तो देखो पूरी मूवी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगी मतलब एवरेज से भी नीचे बोल सकते हो अगर थिएटर में देखने का सवाल होता तो मैं तो आपको नीट एंड क्लीन ना ही बोलता कि मत देखो थिएटर में क्योंकि थिएटर में देखने लायक है ही नहीं अगर मान लो अगर आप रामचरण के बहुत बड़े वाले फ़ैन हो तो इसको आप मतलब अभी टी वी या मोबाइल पर देख सकते हो बाकी इस मूवी पर पे अगर पैसा लगाने का सवाल होता तो तो ये मूवी बिल्कुल देखने लायक नहीं मतलब इस मूवी में कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट कर दिया मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये 2019 में रिलीज हुई थी तब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि ये मूवी देखने में बहुत मजा आएगा लेकिन जितना वेट करा उतना बुरा लग रहा है यार क्योंकि बहुत वेट करा था लेकिन इस मूवी ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा अब समझ में आया कि इस मूवी को जल्दी हिंदी में डब क्यों नहीं करा क्योंकि तब इतना कुछ खास थी नहीं इसलिए शायद जल्दी डब नहीं करा तो दोस्तों ये था अपना पर्सनल ओपिनियन और रिव्यू अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों ये और ओपिनियन हमारे पर्सनल होते हैं तो कोई भी इसे दिल पे नहीं लेगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में